जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ईद आपको गुजरी हुई मुबारक। मैं व्लॉग नहीं बना सका, सिविक खड़ी रही और कुछ चीज़ें ऐसी मैंने ऑर्डर करवाई थी तो वो चीज़ें आ चुकी हैं और आज इंशाल्लाह वो लगाएंगे। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और गाड़ी हमारी गंदी है बाहर से। मुझे टाइम नहीं मिला इसको साफ़ सूफ़ करने का। ये देखें जी, बहुत बुरे हालात हैं गाड़ी के, तो इसको साफ़ सूफ़ करना है अभी। और कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें मैंने इसकी मंगवाई थी, कुछ चीज़ें इधर से भी लेनी है, तो आज निकलेंगे इंशाल्लाह। वर्कशॉप पे काम तो चल रहा है, साथ साथ हमने आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन कर दी हैं चीज़ें। लाजिम सी बात है, 3-4 दिन 5 दिन का गैप आता है तो फिर ज़रा चीज़ों को दोबारा से रीऑपरेशनल करने में टाइम लग ही जाता है। बहरहाल इसकी कुछ चीज़ें कम है, शील्ड है टायर की, वो चीज़ उस साइड पर वो लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आए हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये चीज़ें आई हैं, कवर हैं, साइड मिरर्स के कवर हैं। ये तो अभी फ़िलहाल मैंने वैसे ही लगा दिया था, इसको डबल टेप से लगाएंगे, जोड़ेंगे। अभी पहले मैं उस साइड का करूँगा, फिर इस, ये खुद ही छोटी मोटी चीज़ें चलें, खुद ही बंदा करता रहता है तो टाइम भी साथ साथ जो है वो स्पेंड होता है और आपकी गाड़ी जो है ना वो बेहतरीन हो जाती है। तो अब पहले इस साइड पे लगाएंगे। और इसके अलावा एक मैंने इसका वो रूफ़ टॉप स्पॉयलर जो है वो मंगवाया है, ये इस जगह पे लगेगा, ये ब्लैक कलर का ही है, ठीक है, ये इधर लगाना है हमने। लेकिन मेरा दिल ये है क्योंकि ये भी कार्बन फाइबर में है तो ये मार्केट जा के ना ये मार्केट में लगवाएं, इधर कार्बन फाइबर रैप करके इसको यहाँ पर लगाया जाए। और एक कार्बन फाइबर, एक ही हमें यहाँ पर एक हमें चाहिए होगा, वो इस तरह का नहीं है, खैर वो लिप दूसरी है, लेकिन वो यहाँ पर हमने लगानी है, तो ये दोनों लगानी है। और इसके अलावा मेरा दिल है कि ये जो एयर प्रेस हैं तो इसको भी रैप कर दिया जाए कार्बन फाइबर में, ठीक है। तो ये देखते हैं अभी क्या सूरत हाल बनती है, पहले तो हम ये लगाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट। और इसकी 2-3 चीज़ें और भी हैं, शील्ड मैंने आपको बताया वो लेनी है, वो ले लेंगे, मज़ीद भी कुछ हो सकता है। पीछे हमने मार्के शार के तो लगा दिए थे उस दिन, लेकिन उसमें थोड़ी सी मैंने चेंजेस की हैं। टाइप आर का हमने इधर लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सेसिव वो हो जाता है। होंडा EXI मैंने इस तरफ लगा दिया है और सिविक प्रोस्मेटिक इस तरफ लगा दिया है। वैसे सिविक प्रोस्मेटिक और इस तरफ होता है और होंडा का नहीं होता, EXI का सिर्फ उधर होता है, तो हमने कुछ यूँ तरतीब बनाई है, कुछ ज़रा प्यारा लग रहा है पीछे से। तो अभी ये स्पॉयलर्स भी लग जाएंगे तो गाड़ी और मज़ीद प्यारी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। आप लोगों ने साथ रहना है। मज़ीद मैंने इसका स्मोक पेपर जो है वो रिमूव कर दिया है क्योंकि गाड़ी पूरी काली काली हो रही है। और एक और चीज़ ये है कि ये पिछला जो शीशा है ये पीसेस में लगा हुआ है, तो ये हम इसमें से रिमूव करके ना इसको 1 पीस में देखेंगे, करेंगे, ये ज़रूरी काम है करने वाला, तो ये करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो चलते हैं मार्केट और ये 2-3 काम शाम जो है वो करने, और ये इसका चेक लाइट का कुछ करना है, इसका वाटर जैकेट के जो सेंसर है उसका चेक लाइट आ रहा है, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो देखते हैं। और ये एक गैजेट जो था छोटा सा, ही हमने मंगवाया था पहले की बात है, और ये बड़ा प्यारा लगता है। अब ये तो दिन है, रात में ये फिर मेरे ख्याल से शीट चेंज करता रहता है। बहरहाल चलें निकलते हैं और ज़रा बाहर निकालता हूँ मैं गाड़ी, तो आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ें हमने लगाई हैं इसमें तो ये कैसी लग रही हैं। हमारे साथ कुछ यूँ हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी फिर थम गई है,
लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो काफ़ी बारिश थी और उन्होंने कहा कि यार आपने चूँकि डबल टेप का काम करना है तो फ़िलहाल आप ना करवाएं, जिस दिन धूप होगी तो उस दिन इसके साथ देखेंगे। तो फिर मैंने स्पॉयलर तो उनके पास छोड़ दिया क्योंकि उसको कार्बन फाइबर करना है इस तरह का, सेम इस तरह ये है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये तो मैंने इधर ही लगा लिए थे, तो ये लग गए और कवर्स जो हैं साइड मिरर्स के तो वो लग गए। बाकी अभी इसकी इंटीरियर की ज़रा साफ़ सफाई करते हैं और क्योंकि थोड़ी बहुत वो गंदी है तो उसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं आज के दिन में हम। और कल अगर धूप ना हुई, धूप हुई सॉरी, तो फिर इसको लगाएंगे जो भी स्पॉयलर्स वगैरह हैं और जो भी काम हमने करना है तो वो तब करेंगे। बहरहाल अब इसकी जो रूम की है वो साफ़ सफाई थोड़ी बहुत मैं कर देता हूँ, वो हो जाती है। बाकी इसमें एक चेक लाइट आ रही थी, अब मैंने वो ग्रिप स्ट्रिप ज़रा साफ़ सूफ किया, इसके वाटर जैकेट का ग्रिप था, तो अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि वो सैंड चला गया है या है अभी भी, ये भी देखना पड़ेगा अभी हमें। और एक और काम इसमें ये करना है कि इसमें कूलेंट भी हमने चेंज करना है, इसमें पानी है इस वक्त तो वो ख़त्म करके इसमें कूलेंट फिर हम डालेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ मैंने इधर ये कुछ मैसअप क्रिएट था तो ये ज़रा सेट किया, इसको भी मज़ीद भी देखते हैं, टेपिंग शेपिंग करके ना इसको छुपा देते हैं। मैं आपसे जो चीज़ डिस्कस करने लगा था वो कुछ ये चीज़ है, ये आप देख लेंगे, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इतना कोई महंगा नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपकी आजकल, क्योंकि कल भी मैंने एक देखी गाड़ी एक इधर हमारे हाईवे पे, एक होंडा सिटी थी नए मॉडल की, तो वो जली हुई थी, आग लगी हुई थी उसमें। तो क्योंकि देखें ये सारा कुछ वायरिंग और ये सारी चीज़ें हैं और अक्सर ये होता है कि आप जुगाड़ लगाते हैं जिसकी वजह से अक्सर मसला होता है, फिर भी आप एहतियातन ये जो चीज़ है ये आपकी गाड़ी में मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये इतनी कोई महंगी नहीं है, 1000 रुपये की भी अगर आपको मिलती है दो बोतलें तो 2000 रुपये की भी आपकी गाड़ी की जो है ना वो सेफ्टी है, ठीक है। तो ये मैंने अपने पास हर गाड़ी में रखी हुई होती है और इस गाड़ी में तो स्पेशली मैंने दो रखी हैं, एक हमने ये पीछे इधर लगा दी है, ठीक है। ये इसका ये सीन है कि ये इसके साथ ही कवर होता है तो ये आपको कहीं भी लग जाता है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं और इसको ईज़िली ये रिमूवेबल भी है, ठीक है। इसमें सबसे जो मेन मज़े की चीज़ है वो ये है कि ये ईज़िली रिमूवेबल है, तो ये मैंने इधर लगा दिए। एक जो है वो अंदर में लगा रहा हूँ लेकिन उसकी जगह भी मैं देख रहा हूँ, फाइनल कर रहा हूँ कि यार जगह इसकी किधर होनी चाहिए, ये किधर लगाया जाए। एक तो ये जो है इस जगह भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये डबल टेप पे नहीं लगता, ये स्क्रू पे लगता है, तो स्क्रू जो है ना मैं 2-3 स्क्रू इसको लगाने पड़ेंगे, या तो इधर लग सकता है और या इस जगह पर इस कंसोल की बैक साइड पर लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो जगह ये ज़रा इजीली एक्सेसिबल है और ये ऐसी जगह पे हो गए आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो। मैंने पीछे ट्रंक में इस वजह से रखा हुआ है कि एहतियातन ये है कि दो चीज़ दो आपके पास होने चाहिए, एक ये होता है कि बाज़ औक़ात ये ख़त्म हो जाए या कुछ हो जाए फिर भी, या आग जो है ना वो ज़्यादा हो खुदा न खास्ता, तो आपके पास कम से कम ये दो होने चाहिए। तो बाकी तो खैर नसीब की बात होती है लेकिन आपको अपनी सेफ्टी जो है वो पूरी रखनी चाहिए। तो ये सीन है सारा, बाकी अभी सिर्फ ये है कि इसको हमने अंदर से ज़रा साफ़ सफाई इसी गाड़ी की करनी है, थोड़ी डस्ट वगैरह, लेकिन पहले मैं ये ज़रा लगने लगाने वाले काम जो हैं वो सारे कंप्लीट कर लूँ तो फिर उसके बाद इसकी सफाई भी करते हैं। अच्छा जी, तो वो हमने लगा दिया है इस जगह पर, ठीक है, और इसके अलावा एक हैमर था जो कि ग्लास को तोड़ने के काम आता है, वो भी हमें गिफ्ट मिला था तो ये भी हमने इधर लगा दिया। इसको तो डबल टेप से ईज़िली इधर लग गए, उसको हमें स्क्रू से लगाना पड़ा है तो वो भी लग गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं गाड़ी की, तो बस अभी इसकी साफ़ सफाई करनी है। और इसके अलावा ये इसका एक छोटा सा है, ये ब्रोक टूटा हुआ है, ये रुकन है, तो इसको भी सेट करना है, इसको भी देखते हैं खोलते हैं इसी तरीके से। वो ग्रिल जो है वो हमने कर दिया है, ये ग्रिल भी मैंने खोली, इसकी भी साफ़ सफाई कर दी, ये भी अब देखते हैं इसमें भी थोड़ा बहुत गंदा है तो इसको भी करते हैं क्लियर, और ये डैशबोर्ड और ये बाकी गत्ते शत्ते भी ज़रा साफ़ सुफ करते हैं, फिर एंड रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। तो फाइनली जी हमारी गाड़ी हो गई है बिल्कुल साफ़ सुथरी और अंदर से हमने इंटीरियर का साफ़ कर दिया, बाहर से गाड़ी मैंने वॉश नहीं कराई क्योंकि बारिश हो रही है इस वक्त काफ़ी सारी, तो वो फिर खैर कल परसों ही देखेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे इंशाल्लाह, और तब तक इंशाल्लाह एक आध दिन के अंदर ये कड़ा शड़ा भी आ जाएगा। हमने इसका स्टेयरिंग भी चेंज करना है, ये भी जैपनीज लगाना है, ये जो स्टेयरिंग के कवर हैं ये भी टूटे हुए हैं, इसको भी देखते हैं फिलहाल जोड़ते हैं, लेकिन ये भी चेंज करना है, ठीक है। ये भी इधर काफ़ी एक्सपेंसिव हैं चीज़ें, तो ये हमने दोस्त हमारे जाएंगे दुबई तो वो
ये चीज़ें हमें उधर से ला कर दे देंगे और हम फिर इसको लगा देंगे। तो ये था सारा सीन, अभी देखता हूँ मैं, हो सकता है हम अनस की तरफ जाएँ तो उसे पूछता हूँ कॉल करके वो किधर है, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है, क्योंकि बारिश हो रही है, काम शाम तो चल ही रहा है वर्कशॉप का, लेकिन ये है कि इतना कोई ख़ास नहीं है इस वक्त, लड़के भी कुछ ही आए हैं, कल परसों तक इंशाल्लाह मज़ीद भी आएंगे, तो फिर मज़ीद इंशाल्लाह इसको ऑपरेशनल करेंगे। ठीक है, अभी उसे बात करते हैं अनस से, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं जी अनस लोग के पास, उनको मैंने कॉल की तो वो उधर ही है, ऑफिस में ही है, तो उधर ही चलते हैं। आज हमने काम शाम किए कुछ सेंटर वगैरह के और आगे पीछे, बाकी मैं तो अपनी गाड़ी में होंडा में लगा रहा, तो कल से इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह निकालने हैं, जो जो खड़े हैं तो उनको काम उनका कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो व्लॉग इधर ही एंड करते हैं और नया व्लॉग आप लोगों से मैं शेयर करूंगा इसके ऊपर, इस होंडा के ऊपर टोटल क्या कॉस्ट आई, क्या ये सारी जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन पे है, इसके अलावा बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं पोशिंग के ऊपर और ये सारा कुछ, इसके ऊपर क्या कॉस्ट आई, तो इसके ऊपर वीडियो होगी हमारी नेक्स्ट व्लॉग में। इधर ही से मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसको इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।